नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर। आईपीएल 14 की सबसे बड़ी खोज कौन है? अगर जवाब चेतन सकारिया है तो कुछ गलत नहीं। अब चेतन सकारिया को उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए टीम इंडिया का टिकट भी मिल गया। भारत की टीम में चुने जाने पर सकारिया इमोशनल हो गए। दरअसल चेतन सकारिया ने पिछले एक साल में बहुत कुछ देखा है। आईपीएल में सिलेक्शन से पहले उनके भाई की मौत हो गई। आईपीएल के दौरान कोरोना के चलते उनके पिता की भी मौत हो गई। लेकिन उन्होंने जितने मैच खेले दमदार प्रदर्शन किया और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसी के इनाम स्वरूप सकारिया को श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया में चुना गया। इस सिलेक्शन के बाद सकारिया ने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को दिए गए इंटरव्यू में बहुत इमोशनल बात कही। मेरी ये इच्छा थी कि ये सब देखने के लिए मेरे पापा यहाँ पर होते। वो मुझे भारत के लिए खेलते हुए देखना चाहते थे। मैं आज उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। भगवान ने मुझे इस एक साल के अंदर कई उतार चढ़ाव दिखाए। ये अब तक एक काफी इमोशनल राइड रही। मैंने अपने भाई को खोया और उसके एक महीने बाद ही मुझे आईपीएल का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आखिरी महीने में मैंने अपने पिता को खोया और भगवान ने मुझे टीम इंडिया में सिलेक्ट करवा दिया। मैं 7 दिनों तक अस्पताल में रहा था जब मेरे पिता जिंदगी से लड़ रहे थे। उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। ये मेरे स्वर्गीय पिता और मेरी माँ के लिए जिन्होंने मुझे क्रिकेट को जारी रखने की इजाजत दी। चेतन सकारिया को आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। इस दौरान उन्होंने 7 मैचों में 8.22 की इकोनॉमी से 7 विकेट झटके। एक्सपर्ट्स को डेथ ओवरों में सकारिया की बॉलिंग ने काफी इम्प्रेस किया। चेतन के अलावा नीतीश राणा, ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पडिक्कल भी श्रीलंका दौरे के लिए चुने गए। इन सभी को आईपीएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस का इनाम मिला।